महाराज। हाँ महारानी, क्या बात है? संतान जब विवाह के योग्य हो जाए तो अवस्था के अनुसार उसका विवाह कर देना चाहिए। अपने प्रश्न की भूमिका को स्पष्ट कीजिए महारानी। जिस संदर्भ में तुमने प्रश्न किया है उसका भावार्थ मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया। राजकाज में व्यस्त रहने के अतिरिक्त आपने कभी ये भी चिंतन किया है कि आपकी पुत्री की अवस्था क्या है? जो अपने राज्य की प्रजा के कष्टों के विषय में भिन्नता से जानकारी रखता हो, भला उसे अपने राज घराने के विषय में ज्ञान नहीं होगा क्या? किंतु हमारी पुत्री दमयंती तो विवाह के योग्य हो चुकी है। आपने पहले कदापि पुत्री के विवाह की चर्चा भी नहीं की। मैंने राज कर्मचारियों को पुत्री के स्वयंवर की व्यवस्था में लगा दिया है महारानी। सच महाराज? राजमहल की चार दीवारी के भीतर रहकर निश्चिंत जीवन व्यापन करने वाली महारानी, आज से पहले यदि तुमने पुत्री के विवाह के विषय में इस प्रकार का प्रश्न किया होता तो उस समय ही सच्चाई का पता लग गया होता प्रिय। क्षमा कीजिए महाराज। स्वयंवर की मात्र तिथि निर्धारित होनी शेष रह गई है। तिथि निर्धारित होने के पश्चात ही सभी अच्छे राज घराने के स्वाभिमानी क्षत्रिय राजाओं पर निमंत्रण पत्र भेज दिए जाएंगे। महारानी जाओ अपने कक्ष में और आनंद करो, क्योंकि ये विषय हमारा है। जो आज्ञा महाराज। हे मुनि नारद। इच्छा व्यक्त कीजिए इंद्रदेव। क्या स्वर्ग की अप्सराओं से अधिक सुंदर वर कोई युवती तीनों लोकों में है? हाँ है इंद्र जी। किस लोक में? मृत्यु लोक में। कौन? कुंदनपुर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती। क्या ये विशेष प्रसंग का विषय है? हाँ इंद्रदेव, बड़ी विचित्र गाथा है। पुष्टि करने का प्रयत्न करोगे? हाँ क्यों नहीं। विस्तार से बताइए मुनि नारद जी। प्रारब्ध में दमयंती भीलनी थी और उसके पति वाहुक नामक भील थे। इसका रहस्य? दोनों पति पत्नी शिव भक्त थे, जो साधु संतों के बड़े ही सेवक थे। सेवा भाव उनके जीवन का लक्ष्य था। एक दिन शंकर जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। किस प्रकार से? एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके रात्रि के समय विहट जंगल में उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। उनका निवास स्थान कैसा था? एक झोपड़ी थी और एक भूमिगत सुरंग थी। सुरंग भी थी? भयानक जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु सुरंग का होना अति अनिवार्य था। फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा, मैं वृद्ध ब्राह्मण भूखा हूँ, देव योग से भटकता हुआ तुम्हारे यहाँ तक आ गया हूँ, मेरी भूख की तृप्ति कराइए। तो क्या उन्होंने शंकर जी की अभिलाषाओं को पूरा किया? हाँ, वनों से कंदमूल फल लाकर भूख की तृप्ति कराई। फिर शंकर जी ने क्या कहा? शंकर जी को तो वाहुक और वाहुकी की परीक्षा लेनी थी। तदुपरांत शंकर जी ने कहा कि इस बिहार जंगल में अब कहाँ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ नरभक्षी जानवरों का विचरण होता है, कहीं मैं उनका भोजन ना बन जाऊं। इसलिए जीवन की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास ठहरना ही उचित रहेगा। तो क्या भील और भिलनी ने उन्हें सांत्वना दी? शंकर जी की बात सुनकर भील ने तो आपा छुड़ाना चाहा, परंतु सेविका भिलनी ने उन्हें अपने पास ठहरने की इच्छा व्यक्त की, जबकि उन दोनों की सुरंग मात्र उनके लिए ही सुरक्षा की व्यवस्था थी। क्या फिर उन्हें ठहराया गया? हाँ, भीलनी ने अपने पति से कहा कि तुम और वृद्ध ब्राह्मण सुरंग में सो जाओ और मैं पहरा दूंगी। तो भील ने शर्मिंदगी में भीलनी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम दोनों सुरंग में सो जाओ, मैं पहरा दूंगा, क्योंकि ये मर्द का धर्म नहीं है कि स्त्री मर्द की सुरक्षा में पहरा दे और मर्द निश्चिंत होकर सोए। इसके पश्चात क्या हुआ? भीलनी ने कहा कि हे पतिदेव, बूढ़े ब्राह्मण के साथ सो जाने पर आपके दिल में ऐसे ने भ्रांति की स्थिति बन जाएगी। फिर भी भीलनी को भील की आज्ञा का पालन करना पड़ा। भीलनी और बूढ़े ब्राह्मण सुरंग में सो गए। इसका तात्पर्य भील और भीलनी वास्तव में बुद्धिमान थे। इससे आगे की गाथा सुनोगे तो गहन चिंतन में पड़ जाओगे। आगे क्या हुआ? शंकर जी ने एक माया रूपी शेर से भील पर आक्रमण करा दिया और भील को मौत की गोद में सुला दिया। भील की मृत्यु हो गई? क्या आक्रमण के समय भीलनी को आहट सुनाई नहीं दिया? आहट सुनकर भीलनी ने कहा भी कि ये किसकी चीख सुनाई पड़ती है। तो शंकर जी ने क्या कहा? ब्राह्मण रूपी शंकर ने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। ये तो बड़ी ही रोचक गाथा है मुनिवर। प्रातःकाल होने पर भीलनी ने देखा कि उसका पति मृतक पड़ा है। ब्राह्मण को कोसते हुए रोना प्रारंभ कर दिया। निष्कर्ष क्या हुआ मुनिवर?
होते होते शंकर जी अपने स्वरूप में आ गए। यकायक भीलनी आश्चर्य चकित रह गई। बड़ा ही मार्मिक दृश्य बन गया मुनिवर। भीलनी अपने पति के सब पर प्राण त्यागने को तैयार हो गई। ऐसी स्थिति में शंकर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित अवश्य कर सकता हूँ, परंतु वर्तमान के संस्कारों का अतीत में संयोग बिगड़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पति के प्राण नरवरगढ़ के राजा वीरसेन की महारानी मंझा के गर्भ में प्रवेश हो चुके हैं, जो मेरे ही वरदान का परिणाम है। क्या भीलनी ने पति के शव पर प्राण त्याग दिए? नारायण नारायण, भीलनी के प्राण त्यागने से पहले भीलनी को सांत्वना देते हुए शंकर जी ने कहा कि असहाव की सेविका हे भीलनी, तुमने आपत्ति की असहनीय परीक्षा की घड़ियों में सफलता का मार्ग प्राप्त किया है। प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा शरीर पूरा होने के उपरांत तुम्हारा जन्म कुंदनपुर के राजा भीमसेन की कन्या के रूप में होगा। तुम्हारे मुख पर तेज और विलक्षण सौंदर्य के आगे स्वर्ग की अप्सराएं और चंद्रमा को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। और साथ साथ ये भी कहा था कि स्वर्ग के देवता भी तुम्हारे तेज और सौंदर्य से आकर्षित होकर तुम्हें वरने की लालसा करेंगे। शंकर जी की बात सुनकर क्या भीलनी ने कुछ कहा? हाँ, भीलनी ने कहा कि हे देवों के महादेव, यदि आप वरदान ही दे रहे हैं तो मुझे एक वरदान और दीजिए, जिससे मेरे हृदय की अभिलाषा पूरी हो जाए। तो फिर क्या इच्छा व्यक्त की भीलनी ने? भीलनी ने कहा कि मेरा अगले जन्म में भी इसी पति से विवाह होना चाहिए। शंकर जी ने क्या कहा? शंकर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो भीलनी ने प्रारब्ध में भीलनी के रूप में अपने पहले पति को ही वरने की इच्छा व्यक्त की। तो क्या दमयंती को ये पता है कि उसके प्रारब्ध के पति ने किसके घर में जन्म लिया है, उसका वर्तमान में क्या नाम है? शंकर जी ने ये वचन दिए थे कि तुम्हारे इसी पति से विवाह की रूपरेखा मैं ही बनाऊंगा। आप अब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं मुनिवर? मैं अब कुंदनपुर राजा भीमसेन के यहाँ जा रहा हूँ। हे मुनि नारद जी, जब भी दमयंती का स्वयंवर हो कृपया हमको भी अवगत अवश्य कराइए। अवश्य देवराज, अवश्य। नारायण 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 नारायण। हे मुनिवर, तुम बड़े शुभ अवसर पर पधारे हो। मैं तो आपके विषय में चिंतन ही कर रहा था। ऐसी क्या बात थी राजन? राजकुमारी दमयंती के विषय में आपसे परामर्श अनिवार्य था। सेवा बताइए राजन। राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के मुहूर्त के विषय में सब कुछ आप ही तो बताओगे। आपके प्रश्न की पुष्टि अवश्य होगी राजन। स्वयंवर की शुभ तिथि बताने की कृपा करें मुनिदेव। वेदों की विधि के अनुसार वसंत पंचमी की तिथि अति शुभ है। धन्य हो, धन्य हो मुनिदेव। राजन, अपनी पुत्री को बुलवाइए। जो आज्ञा मुनिवर। पुत्री दमयंती। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मुनिवर। हे राजकन्या, तुम्हारे स्वयंवर में देवता अवश्य आएंगे और तुम्हें वरना चाहेंगे, परंतु तुम्हारी जोड़ी का वर तो पिछले संस्कारों के अनुसार राजा नल ही है। हे मुनिवर, मुझे कृपा करके ये बताइए कि मेरा स्वयंवर किस प्रकार सफल होगा? याद रहे कि देवताओं की परछाई नहीं होती। अपने विवेक और बुद्धि के नेत्रों से तुम्हें देखना है कि किसकी परछाई दिखती है और किसकी परछाई नहीं दिखती। एक और विशेषता होगी। कैसी विशेषता मुनिवर? नारायण नारायण, देवता मृत्युलोक के भूभाग पर स्पर्श नहीं कर सकते। धन्य हो मुनिवर, धन्य हो। आपने ये सब बातें बताकर मुझे चौकन्ना कर दिया। मृत्युलोक में एक महान सौंदर्यवान युवती है, जिसका जन्म शंकर जी के वरदान से हुआ है। हे वरुण जी, कहिए देवेंद्र। एक मृत्युलोक में कामनी जिसकी मची हवाई, एक मृत्युलोक में कामनी जिसकी मची हवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो हो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो हो जा कला सवाई। एक मृत्युलोक में कामनी जिसकी मची हवाई,
एक मृत्यु लोक में कामनी, जिसकी मची अवाई वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवार, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवार। राजा भीमसेन की राजकुमारी के रूप में उस सुंदरी ने जन्म लिया है। मैं चाहता हूँ कि वो असीम सौंदर्य की प्रतिमा स्वर्ग की प्रतिभा बनकर रहे। है चंद्रमा तमुकड़ा रूप है सुहाना, वर ले जो उस परी को हो पूरी मन की चाहना। है चंद्रमा तमुकड़ा रूप है सुहाना, वर ले जो उस परी को हो पूरी मन की चाहना। मिल जा जो कोई बहाना कर लेंगे ब्याह सगाई, मिल जा जो कोई बहाना कर लेंगे ब्याह सगाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई। बीजड़ सी चमके लागे रूप के फटकारे, हंस की कोई हंसनी पांच स्वर्ग में पसारे। हाँ बीजड़ सी चमके लागे रूप के फटकारे, और हंस की कोई हंसनी पांच स्वर्ग में पसारे। आनंद कर दे मारे बन दर्द की दवाई, आनंद कर दे मारे बन दर्द की दवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई। मेरी अभिलाषा है कि मैं उसका वरण करूं। यदि ऐसी आपकी इच्छा है तो हम सभी देवता प्रत्येक परिस्थिति में आपके साथ हैं। मुंह बटवाता गोल है, नाक है सुवाची, उस सुंदरी की जा में मन इंद्री है प्यासी। मुंह बटवाता गोल है, नाक है सुवाची, उस सुंदरी की जा में मन इंद्री है प्यासी। है मोरनी सी गर्दन भरी नीर की सुराही, है मोरनी सी गर्दन भरी नीर की सुराही, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई। जब भी उसका स्वयंवर होगा मुनि नारद जी हमें अवश्य अवगत कराएंगे और मृत्यु लोक में जाकर उस सुंदरी को वर कर लाना होगा। आपके आदेश की प्रतीक्षा करेंगे देव इंद्र जी। रूप वो अनमोल है, रतन है जवानी, इन तीनों लोकों में उसकी शान सुहानी। रूप वो अनमोल है, रतन है जवानी, और इन तीनों लोकों में उसकी शान सुहानी। ऋषि पाल गानी चाहिए सदा शुद्ध कविताई, ऋषि पाल गानी चाहिए सदा शुद्ध कविताई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो हो जा कला सवाई, वो युवती स्वर्ग में आ जा तो हो जा कला सवाई। नारायण नारायण। आइए मुनिवर, क्या आज
कोई नया समाचार लेकर आए हैं। हाँ देवेंद्र जी, कुंदनपुर के राजा भीमसेन की पुत्री का स्वयंवर रचा जा रहा है। अति सुंदरी दमयंती का स्वयंवर? जी इंद्रदेव। कौन सी तिथि नियुक्त की गई है? बसंत पंचमी की शुभ तिथि निर्धारित हुई है। फिर तो स्वयंवर में जाने की तैयारी करनी चाहिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम राजदूत, कौन सी राजधानी से आ रहे हो? हे राजन, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक अर्थात भीमसेन की राजधानी कुंदनपुर से आ रहा हूँ। किस कारण आगमन हुआ है राजदूत? राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती का स्वयंवर है, निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ, स्वीकार करिए राजन। लाइए। अब मुझे आज्ञा दीजिए राजन। प्रणाम महाराज। सभी अतिथियों का अपनी पुत्री के स्वयंवर में पधारने पर मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। उसके स्वयंवर में पुत्री को वरमाला सहित उपस्थित किया जाए। माताश्री प्रणाम। सौभाग्यवती भव पुत्री। प्रणाम पिताश्री। सौभाग्यवती भव पुत्री। पुत्री दमयंती। जी पिताश्री। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि तुम अपनी शालीनता और धैर्य के साथ विवेक और बुद्धि से अपनी जोड़ी के योग्य वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालकर अपना पति स्वीकार कर सकती हो। जो आज्ञा पिताश्री। अरे, मेरे स्वयंवर का तो बड़ा ही आश्चर्यजनक और विचित्र दृश्य है। पांच आकृति एक समान है। एक से पांच सूटों में मैं किसी वरमाला पहना कर अपना पति अंगीकार करूं। दुविधा में मन पड़ गया राजा नल के चक्कर में। दुविधा में मन पड़ गया राजा नल के चक्कर में। किसके गले में वरमाला मैं गिरूं स्वयंवर में। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। रूप छिपाए बैठे जिनमें चार आकृति एक सी। राजा नल तो एक है क्यों पांचों मूर्ति एक सी। रूप छिपाए बैठे जिनमें चार आकृति एक सी। राजा नल तो एक है क्यों पांचों मूर्ति एक सी। कुछ समझ न आवे हाय ईश्वर मन चक्कर खाए हाय ईश्वर। मोती नारिल जाए मेरा सीप के सागर में। किसके गले में वरमाला मैं गिरूं स्वयंवर में। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। क्या मैं करूं हाय ईश्वर और किसे वरूं हाय ईश्वर। धीर धरूं मैं कैसे सुरती लागी है वर में। किसके गले में वरमाला मैं गिरूं स्वयंवर में। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। समझ में कुछ ना आवे थे बहु मन कोण बढ़ावे थे। इन आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये साधारण मानव नहीं है। कोई ना कोई योग स्वरूप दैविक माया जरूर है। शिव जी भोलेनाथ जी आके ठो
को उभारना। शिव जी भोलेनाथ जी आके ठोकर मारना, अधम बिचारे डूबती नाव को उभारना। मैं झंझट में हूँ हाय ईश्वर, मैं संकट में हूँ हाय ईश्वर, कष्ट में ही दे ऋषि पाल दुखिया परमेश्वर में। किसके गले में वरमाला में गिरूं से मर में, समझ में कुछ ना आवे से बहु मन कौन बनावे से, समझ में कुछ ना आवे से बहु मन कौन बनावे से, समझ में कुछ ना आवे से बहु मन कौन बनावे। पुत्री जी। पिताश्री। किस सोच में पड़ी हुई हो? पिताश्री, पांच मानव आकृतियों का स्वरूप एक समान है। पुत्री, इन आकृतियों को पहचानना तुम्हारे लिए कोई दुर्लभ नहीं है, अपितु बड़ा ही सरल है, क्योंकि तुम हमारी साधारण पुत्री नहीं हो। तुम्हारे गुण और लक्षण बड़े ही विलक्षण हैं। पुत्री, ब्रह्म ज्ञान की जलती हुई ज्योति से देखो और इन आकृतियों को पहचानने का प्रयत्न करो कि इनमें तुम्हारे योग्य वर कौन हो सकता है। जो आज्ञा पिताश्री। इन पांच आकृतियों में से चार आकृतियों का पृथ्वी से स्पर्श नहीं है, अपितु पृथ्वी से चार अंगुल के अंतर में पृथ्वी से ऊपर है, और इन चार आकृतियों की तो परछाई भी नहीं है। मानव स्वरूप में ये बनावटी और नकली आकृतियां हैं। इसका तात्पर्य है ये देवताओं का षड्यंत्र है मुझे उलझन में डालने के लिए कि मैं निषद नरेश, जो मुनिवर और हंसों के बताए अनुसार मेरी जोड़ी का वर है, उस हंस तुल्य गले में वरमाला ना पहनाऊं। अब मैं समझी हूँ, राजा नल के गले में वरमाला डालती हूँ और हृदय से अपना पति स्वीकार करती हूँ। तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन है तू? मैं शनिदेव हूं राजन। ये दुष्टता के साथ दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? ये तो मेरा कार्य है राजन। आपराधिक कार्य को अपना पेशा बता रहे हो? इसलिए मुझे शनि कहते हैं। इस कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य का मेरा अधिकार क्षेत्र भी तो नहीं। तुम्हें अधर्म नहीं करना चाहिए। अपनी राजधानी में यदि इस प्रकार के पाप देखना नहीं चाहते तो मुझे अपने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में उचित स्थान दीजिए राजन। शनिदेव, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो हमारे राज्य की सीमाओं के भीतर सोना, तेल, वैश्य और बेईमाने घराने में रहने की अनुमति देते हैं। ठीक है राजन, सोना, तेल, वैश्य और बेईमाने घराने के अतिरिक्त अन्य किसी घराने में नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं। कितना सुंदर समय मिला है राजा नल के विनाश का, राजा नल के मुकुट में प्रवेश होकर विनाश करने का। इससे सरल अन्य कोई मार्ग ही नहीं हो सकता। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। कहाँ जा रहे हो? दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। सदैव सत्य वचन बोलने वाले मिथ्या का सहारा क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, हम सत्य कह रहे हैं। तुम दमयंती के स्वयंवर में अवश्य गए हो, और आपकी उदासीनता से प्रतीत होता है कि आप वहां से निराश होकर आ रहे हो। कैसे? क्योंकि दमयंती का स्वयंवर तो हो चुका, और मेरे संज्ञान में यह भी है कि दमयंती ने नल के गले में वरमाला पहनाकर उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। आपको कैसे ज्ञात है? अपने अपमान को छुपाना चाहते हो? यदि अपमानित होने के उपरांत आपकी जिभ्या से सत्य वचन का उच्चारण नहीं हो पा रहा है तो मुझे आदेश करो। देवों का अपमान मेरे लिए सहनीय है, और इस प्रतिशोध की अग्नि में मुझे ही कूदना पड़ेगा। आपने अपने अपमान को छुपाने का प्रयास किया है इंद्रदेव। आप देवलोक जाइए और इस प्रतिशोध की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। राजा नल को यदि दर दर का भिखारी ना बना दिया तो मेरा भी नाम कलयुग नहीं। धैर्य वास्तविकता है कलयुग जी, और धैर्य शांति का प्रतीक है।
जब देवताओं का ही अपमान हो गया तो एक दिन बारी मेरी भी आ सकती है। देवराज, आपकी इस शैली से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं आपके इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। प्रणाम है राजन। प्रणाम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। कौन हो तुम? परिचय देने का कष्ट कीजिए। यदि मेरे विषय में पूछना चाहते हो तो मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। कैसे हितैषी? मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दीजिए। हे राजन, मैं कलयुग हूँ। मानव देह धारण करके तुम्हारे हित में तुम्हारे पास आया हूँ। तुम वास्तव में कलयुग हो? हाँ राजन, ये सच्चाई है। आने का सही सही तात्पर्य बताइए। मैं तुम्हें नरवरगढ़ का राज सिंहासन दिलवाना चाहता हूँ। परंतु नरवरगढ़ के राजा तो आज भी मेरे अग्रज भ्राता श्री नल ही हैं। जिस राजा के अधिकार में अधिक रजवाड़े होते हैं वो बहुत बड़ा और कीर्तिमान राजा माना जाता है। जिसकी छवि महान होती है और प्रत्येक राजा रियासत और यश प्राप्त करना चाहता है। राजा तो तुम भी हो, परंतु मात्र 7 गांवों के राजा हो। और राजा नल वर्तमान में बड़े ही कीर्तिमान और विस्तृत क्षेत्र के राजा हैं। फिर नरवरगढ़ का राज मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? राजा नल का एक शौक बहुत ही कमजोर है। क्या? राजा नल जुए के खिलाड़ी हैं। उनके शौकों में द्यूत क्रीड़ा विशेष स्थान रखती है। तो फिर तुम उनके साथ जुआ खेलो। परंतु द्यूत क्रीड़ा में तो भ्राता श्री इतने निपुण हैं कि मैं चाहकर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाऊंगा और आपके चक्र में आकर 7 गांव और गवा बैठूंगा। परंतु राजन, ये मत भूलो कि तुम्हारी विजय कराने में मेरा सहयोग नहीं रहेगा। मैं और शनिदेव तुम्हारी विजय कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये षड्यंत्र कैसे सफल होगा? मात्र तुम्हें राजा नल की प्रतिद्वंद्विता में पासे फेंकने हैं। उन पासों में द्यूत क्रीड़ा के समय हम प्रवेश हो जाएंगे। मैं एक प्रश्न पूछूं? पूछिए राजन। परंतु आप राजा नल की प्राजा क्यों चाहते हो? क्योंकि दमयंती के स्वयंवर में देवताओं का घोर अपमान हुआ था, जिसे हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक राजा नल को यातनाओं के मार्ग पर खड़ा नहीं कर देते, तब तक दमयंती के स्वयंवर में हुए अपमान की अग्नि हमारे हृदय में सुलगती रहेगी। फिर आप मुझे पाप का भागीदार क्यों बनाना चाहते हो? राजा नल का राजपाट तो हमें हड़पना ही है। हम फिर भी दोनों भ्राताओं के बीच में दया का मार्ग खोजना चाहते हैं कि भाई का राज मुकुट भाई ही धारण कर ले। ये निष्कर्ष तुम्हें ही करना है राजन। परंतु ये मत भूलिए कि लोभ का किसी ने नहीं त्याग किया है। परंतु हे कलयुग, द्यूत क्रीड़ा की रूपरेखा कैसे बनाई जाए? तुम्हें राजा नल के पास द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण भेजना ही पर्याप्त होगा। क्या भ्राता श्री मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे? अवश्य। महारानी जी। स्वामी, मेरे मन में एक इच्छा जागृत हो रही है। क्या प्राणनाथ? कि मैं अनुज भ्राता के निमंत्रण को स्वीकार करके उसके साथ जुआ खेलूं। क्यों? क्योंकि पुष्कर के अधिकार में आए 7 गांव मेरे हृदय में सून बनकर पीड़ा पहुंचाते। चौपड़ सार बिछा दमयंती, मन में उठा माया। चौपड़ सार बिछा दमयंती, मन में उठा माया। चौपड़ सार बिछा दमयंती, मन में उठा उभाया। चौपड़ सार बिछा दमयंती, मन में उठा उभाया। मन में उठा उभाया।
मन की गोरी मेरी तबीयत में आरी। राजा होके पिया आज क्यों अक्ल गई से मारी। पुष्कर की हो हार सभी संपत्ति को जा भारी। हसी करे नर नारी अपना धन हो जाए पराया। धन दो ना हो जा गोरी है शीरत दुआ माया। ए चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठे उमाया रे। ये भाषा के विषय में ऐसा सोचना क्या उचित है महाराज? स्वामी, क्या पवित्र रिश्तों की मर्यादा धीमी नहीं होगी? अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना एक अच्छे राजा की परिभाषा में आता है। पल से पल का बेरा कोना किस्मत उल्टी फिर जा। मल्ला की चतुराई पे पत बार भमत फिर जा। कर सवार सवारी बाभी चले अचानक गिर जा। से पास गे रूप सगर मेरे दाम में फिर जा। करे मत दमयंती ओ मन दे मन का चाया। ये चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठा तुम्हारा रे। मन में खेल जुए का ऐसा तन की मिट जाती है रानी। जुआ ते बर्बादी की पिया उसे नाश निशानी। जुए में जी लगेरी भूल जा दुनिया की परेशानी। खूब कहानी सुनी जुए की कि थारी मन कल बढ़े जुए तर गोरी मन मेरा ललचाया। चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठा उमाया। मन में उठा उमाया। पलट मार धरी रह चतुराई हो ऋषि पाल की लोग हसाई। जानू तू है प्रिय होती नहीं दबाए। राजा महाराजाओं ने जुआ खेला और खिलाया। चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठे उमाया रे। मन में उठे उमाया। गुंडा खेल जुए का होते मन ने बुरा बताया। चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठे उमाया। चौपड़ सार बिछा दमयंती मन में उठे उमाया। मन में उठे उमाया। मैं अपने हृदय में उत्पन्न हुई अभिलाषा का दमन भी नहीं कर सकता।
मैंने पुष्कर के निमंत्रण को स्वीकार करके उसे आमंत्रित भी कर दिया है। इसका तात्पर्य ये अनहोनी और बुरी घड़ी टल नहीं सकती। जिस अवसर पर व्यक्ति की हृदय की अभिलाषा पूर्ण होती है वो अनहोनी नहीं अपितु शुभ घड़ी होती है महारानी। एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के मार्ग में बाधक बनना उसका धर्म नहीं होता। पतिव्रत धर्म की मर्यादाओं में बन जाने के उपरांत मैं विवश हूँ स्वामी, परंतु आपकी इस अभिलाषा का परिणाम हमारी सुख समृद्धि के विपरीत लग रहा है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए महाराज, क्योंकि जुआ तो सर्वनाश की निशानी है और मनु ने भी जुए का खेल अच्छा नहीं बताया था। नहीं प्रिय, मेरे मार्ग में कंटक मत बनो। उस घर के साथ जुआ अवश्य खेलूंगा और अपनी लालसा पूरी करूंगा। हाँ स्वामी हाँ, आप करेंगे तो वही ना जो आपके मन में है। परंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है आपके चिंतन पर कि जिस विषय में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतने जुआ खेलने के इच्छुक हो सकते हैं। ये सब मेरी समझ से बाहर है महाराज। प्रणाम भ्राता श्री। प्रणाम प्रियानुज। विराजिए। आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। क्या आदेश है भ्राता श्री? चलिए, ये चौपड़ सार बिछी हुई है। क्या रख रहे हो? रत्नों की बाजी। मांगो भ्राता श्री। पांच। हे शनिदेव, पांच। अब क्या रख रहे हो? रथ और घोड़े। मांगो। नौ। नौ। लगाओ भ्राता श्री। नौकर चाकर और राजमहल, आठ चाहिए। आठ मेरे भाग्यवान पासे, आठ। नौकर चाकर और राजमहल भी मेरा हो गया। भ्राता श्री बोलो आप क्या लगाओगे? सीमावर्ती राज। मांगो। पौ बारा। मेरी सेना पौ बारा। पौ बारा, सब कुछ हमारा हो गया। नरवरगढ़ का सारा राज हम जीत गए। सारा राज, सब कुछ हमारा हो गया। अब क्या लगाओगे भ्राता श्री? धन दौलत, राजपाट, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, सब कुछ तो हार गया। अब दांव पर लगाने को मेरे पास रह ही क्या गया है भ्राता? अभी तो आपके पास एक अनमोल रत्न शेष रह गया है भ्राता श्री। क्या प्रियानुज? दमयंती को दांव पर नहीं लगाओगे? नहीं, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं कि वो अपनी पतव्रता स्त्री को दांव पर लगाती। इतने क्रोधित ना हो भ्राता श्री, तुम्हें इतना सर्वनाश प्रश्न करना ही नहीं चाहिए था प्रियानुज। दूत क्रीड़ा में किसी भी अनमोल से अनमोल वस्तु को दांव पर लगाना असंभव नहीं है। भ्राता श्री, यदि मैंने भाभी श्री को दांव पर लगाने का प्रश्न कर भी दिया तो कोई विशेष त्रुटि नहीं की। इस वाक्य का बार बार संबोधन मत कीजिए, अन्यथा क्रोध की अग्नि रुक नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी प्रियानुज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सहन करने की भी एक सीमा होती है। भ्राता श्री, अब नरवरगढ़ में आपका हक और अधिकार शेष नहीं रह गया है। आवेश तो किसी को भी आ सकता है, परंतु आप मेरे अग्रज भ्राता हैं, इसलिए आप मेरे लिए श्रद्धेय और आदरणीय हैं। अब नरवरगढ़ का राज सिंहासन मेरे अधीन हो चुका है। अब ये शाही वस्त्र पहनने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और भाभी श्री से भी कहिए कि वो भी अपने शाही वस्त्र उतार दें। और सुनिए, मैं नरवरगढ़ का नरेश पुष्कर तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें 12 वर्ष तक नरवरगढ़ की सीमा से बाहर ही रहना है। परंतु अनुज, ये भी तुम्हारे संज्ञान में होना चाहिए कि नदी, नहर, मंदिर, धर्मशाला अथवा किसी भी धार्मिक स्थल पर किसी राजा का हक और अधिकार नहीं। हम किसी भी नदी या नहर के किनारे रह सकते हैं जो तुम्हारे अधिकार नियंत्रण से बाहर। मुझे स्वीकार है। दमयंती। जी महाराज। अब मैं महाराज नहीं रह गया हूँ प्रिय। क्या, कैसी अशुभ वाणी बोल रहे हैं आप? अशुभ वाणी नहीं, अब तो द्यूत कीड़ा के प्रणाम की भाषा बोल रहा हूँ प्रिय।
क्या क्या हुआ द्यूत क्रीड़ा में? द्यूत क्रीड़ा में मेरी आशा और अभिलाषा के विपरीत हो गया प्रिय। स्वामी बताओ तो सही। द्यूत में मैं अपना सब कुछ हार गया। सब कुछ हारने के पश्चात पुष्कर तुम्हें दांव पर लगवाना चाहता था। मुझे? हाँ प्रिय हाँ। फिर क्या हुआ स्वामी? पुष्कर के ऐसा प्रश्न करते ही मेरी रगों में क्रोध की ज्वाला भभक उठी। जैसे तैसे मैंने अपने आप पर नियंत्रण किया और अंत में पुष्कर ने मुझे यह आदेश दिया है कि भ्राता श्री और भाभी राजसी वस्त्र उतार कर मेरे सुपुर्द कर दो और मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर चले जाओ और 12 वर्ष तक गोपनीय रहकर समय व्यतीत करने को कहा। जुआ जीतने के पश्चात आपके भाई इतने निर्दयी हो गए कि रिश्तों की मर्यादा ही भूल गए। हाँ प्रिय। देवश्री अभी तुमने राजसी वस्त्र उतारे नहीं है। तार रही जेवर वस्त्र, तार रही जेवर वस्त्र, झिंग ताना लिए मतना, जुए में सब जीत लिया भाभी शर्मये मतना, जुए में सब जीत लिया भाभी शर्मये मतना, तार रही जेवर वस्त्र, झिंग ताना लिए मतना, जुए में सब जीत लिया भाभी शर्मये मतना, जुए में सब जीत लिया भाभी शर्मये मतना। का हो
मन चाहाया। बुरा टाइम आया देवर, बुरा टाइम आया देवर मन, मैं घबराइए मत ना। सब नल की गलती जमीन थी, झेप मिटाइए मत ना। जुए में सब जीत लिया, भाभी शर्माइए मत ना। रानी होगी ऋषि पाल, अब दर दर की हमें होकर खानी हो। विलंब ना कीजिए भ्राता भाभी श्री, राजसी वस्त्र उतार कर मेरी राजधानी नरवरगढ़ से अति शीघ्र प्रस्थान कीजिए। ठीक है देवर्षि। अनुज बच्चों का ख्याल रखना। नहीं, ये बोझ मेरे ऊपर डालकर मत जाइए, ले जाओ इन्हें भी अपने साथ। स्वामी कहो प्रिय, अब जीवन निर्वाह कहाँ करेंगे? जहाँ परमेश्वर चाहेगा। मेरा एक सुझाव है प्रिय। क्या स्वामी? तुम दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जाओ। पीहर? लेकिन क्यों स्वामी? क्योंकि तुम एक युवती हो और दोनों यानी बच्चे हैं, यात्राओं के महासागर में तुम डूब जाओगे, इसलिए तुम्हारा कुंदनपुर जाना ही उचित रहेगा। परंतु आप भली भांति जानते हैं महाराज कि एक पतिव्रता स्त्री प्रत्येक परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। आपका ये सोचना आपकी भूल होगी स्वामी। मैं ऐसे विकट संकट में आपका साथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। किंतु इंद्रशयन और इंद्रावती को तो इनकी ननहाल भेज ही देना चाहिए प्रिय। हाँ स्वामी, ये विचार आपका संभवतः सही है। माता श्री, हम आपका साथ छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते। हे बच्चों, इस आपत्ति में कठोर यातना ही तुम सहन नहीं कर पाओगी। यातना तो बहुत बड़ी बात है, तुम तो भूख और प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। आपके बिना हमारा जी नहीं लग पाएगा। आपसे दूर रहकर वियोग की एक घड़ी सहन नहीं हो पाएगी माता श्री। इन संकट की घड़ियों में माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारे लिए सुलभ और सही होगा प्रिय बच्चे। हमें अपने आप से दूर मत करो, हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इंदर इंद्रावती आज जाओ अपने ननहा, मत ना रोना मात पिता का, कर कर के तुम ख्याल कभी थे कदी थे राज दुलारे, भरी आँखा के तारे, कदी थे राज दुलारे, भरी आँखा के तारे।
कदी थे कदी थे कदी थे राजकुमारे भरी आँखों के तारे कदी थे राजकुमारे भरी आँखों के तारे चलते राजमहल से बहुत दूर आ गए, परंतु मार्ग में वहां से यहां तक कोई नदी दिखाई नहीं पड़ी। चलते रहो, मार्ग में कोई नदी पड़ेगी, उसी के किनारे किनारे चलकर कोई पवित्र धार्मिक स्थल खोजेंगे और वहीं अतीत का समय व्यतीत करेंगे। प्रिय हे प्राणनाथ, भूख प्यास से मन व्याकुल हो रहा है। दम लिखड़ा जा भूख प्यास में, धारण करो व्याकुल हो री काया। कई रोज हो गए मन भी टुकड़ा तो न खाया। दम लिखड़ा जा भूख प्यास में व्याकुल हो री काया। कई रोज हो गए मन भी टुकड़ा तो न खाया। दम निकड़ा जब भूख प्यास में, कुछ और आग पिया
आगे पेश चले ना अमर नहीं सकता।